नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, जैसा कि कल संडे था और कल आपकी क्लास करंट अफेयर की ऑफ थी, तो आज की क्लास में हम 2 दिनों के करंट अफेयर को यानी कि 19 और 20 मार्च के करंट अफेयर को एक साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को शेयर करें आप सब लोग। और जैसा कि मैं उम्मीद कर रही हूँ, आप लोगों ने जितना भी अभी तक का जो अपना नोट्स बनाया होगा उसका कल आप लोगों ने अच्छे से रिवीजन किया होगा। और मैं कहती हूँ जो भी आपको जो छुट्टियां मिलती हैं उसका प्रॉपर इस समय यूटिलाइज करिए। समझ लीजिए कोई छुट्टी इस टाइम नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने युद्ध की तैयारी करनी है अच्छे से और हर एक टाइम का प्रॉपर यूज करना है, ठीक है? तो चलिए जल्दी से सेशन से जुड़ जाइए आप लोग। क्लास स्टार्ट करूँ उसके पहले कहना चाहूंगी कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। और आज की क्लास में हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, ये भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला है जिसे कहाँ स्थापित किया जाएगा। दोस्तों, जो मानव व्यवहार है उसको एक तरीके से अध्ययन करने के लिए, उस पर स्टडी करने के लिए ये अपने आप में एक प्रयोगशाला होगी। और ये कहाँ स्थापित की जाएगी दोस्तों? तो करेक्ट आंसर है जयपुर, राजस्थान की जो राजधानी है जयपुर, वहां पर स्थापित किया जाएगा। आइए इसके बारे में देखते हैं। तो जब अभी हाल फिलहाल की बात है, जो राजस्थान की राज्य सरकार है उसने देखा जाए ये बात की है, इस बात की मंजूरी दिया है कि जयपुर में भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला को स्थापित किया जाएगा, ठीक है? तो राजस्थान सरकार ने इसकी मंजूरी दी है। इस व्यवहार प्रयोगशाला की बात किया जाए तो राजस्थान में, ध्यान रखिएगा, एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है? उसमें देखा जाए जो पटेल भवन है, ठीक है, वहां पे इसको स्थापित किया जाएगा, ठीक है? तो कहां पे? जयपुर के जो हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पटेल भवन में इसको स्थापित किया जाएगा। और बात करें इसके संचालन की, तो अगर देखें ये कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, वर्ग क्षेत्र में, वर्ग फिट में, तो ये 2,665.40.04 वर्क फिट में यह स्थापित किया जा रहा है। और इसका जो पूरा संचालन किया जाएगा, इस पूरे लैब का प्रबंधन और संचालन जो किया जाएगा वो IIM, ठीक है, IIM उदयपुर के द्वारा किया जाएगा, ठीक है? बात करें इस प्रयोगशाला में, ठीक है, तो इस प्रयोगशाला की बात करें, इसमें जो प्रयोग होंगे, जो कार्यशालाएं होंगी, उनका पूरा संचालन जो अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ भी इसमें शामिल होंगे, ठीक है? और इसमें देखिए क्या होगा, इस प्रयोगशाला के माध्यम से जो विभिन्न जो यूनिवर्सिटीज हैं, जो कॉलेजेस हैं, उसमें एक तरीके से प्रायोगिक अध्ययन के क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। शिक्षकों को प्रशिक्षण और व्यवहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, ठीक है, इस पूरे प्रयोगशाला में। इसी के साथ साथ इस लैब में जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उस टेक्नोलॉजी की मदद से, उसके माध्यम से जो मानव व्यवहार है उसका अध्ययन किया जाएगा। तो एक तरीके से जो मानव बिहेवियर है, ठीक है, एक तरह ह्यूमन बिहेवियर है, उसका पूरी स्टडी जो है इस लैब में किया जाएगा एडवांस टेक्नोलॉजी से। तो ध्यान रखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि भारत का जो पहला व्यवहार प्रयोगशाला है उसको जयपुर में स्थापित किया जाएगा, ठीक है? चलिए भाई अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 आयात करने और इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है। तो ये देखिए कौन सा ऐसा देश है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड को आयात करने और साथ ही साथ उसको क्या करना, समुद्र के नीचे स्टोर करने के लिए ऐसी परियोजना चलाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, वो है डेनमार्क, ठीक है? आइए इसके बारे में देखते हैं। देखिए डेनमार्क में अगर आप देखें तो डेनमार्क के पास में ये जो नॉर्थ सी यानी कि उत्तरी सागर स्थित है और उत्तरी सागर के लगभग 1800 मीटर नीचे कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करने के लिए एक परियोजना शुरू की है। किसने करी है? डेनमार्क ने करी है, ठीक है? और इसमें क्या है, इससे क्या होगा, जो दूसरे देश से जो आयात कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं उनको दफनाने का ये अपने आप में विश्व का पहला देश बन गया है। तो जो भी ये आयात करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, उसको क्या करेगा, ये जो नॉर्थ सी है यानी कि उत्तरी सागर है उसमें क्या करेगा, उसको दफनाने का कार्य करेगा कौन, डेनमार्क। और ऐसा करने वाला ये विश्व का पहला देश बन गया है, ठीक है? ये देखा जाए कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन जो कब्रिस्तान परियोजना है, ठीक है, जहां देखा जाए वहां पे एनवायरमेंट को, ठीक है, एक तरीके से देखिए ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्लोबल वार्मिंग में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाती है। इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, वातावरण क्या हो रहा है, वो गर्म हो रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो आप देखेंगे जो पोल में जो बर्फ है वो पिघल रही है, तो समुद्र का जलस्तर भी बढ़ रहा है, तो इससे बहुत सारे देश जो है वो प्रभावित हो रहे हैं। तो एक तरीके से ये जो वातावरण को जो अधिक गर्म करने है, ये जो गर्म करने वाली ये गैसेस है, तो इन गैसेस को रोकने के लिए, ठीक है, जो कार्बन इंजेक्ट एक पुराने
तेल के क्षेत्र पर साइट जो है किया जाएगा। तो ये जो एक तरीके से वातावरण को गर्म करने से रोकने के लिए इस कार्बन को क्या किया जाएगा, उठा करके जो एक तरीके से स्टोर कर दिया जाएगा समुद्र के नीचे, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग कम हो सके, हमारा वातावरण कम गर्म हो सके। परियोजना का देखिए उद्देश्य क्या है, बेसिकली 2030 तक, ठीक है, यानी कि इस दशक के अंत तक हर साल जो है 8 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का भंडार बनाना, ठीक है, ये इसका उद्देश्य है। तो दोस्तों आइए डेनमार्क के बारे में देख लेते हैं। ये देख लीजिए, आपको दिख रहा होगा, ठीक है, यूरोप कंट्री, और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा डेनमार्क, जिसकी सीमा सिर्फ और सिर्फ किससे लग रही है दोस्तों, यहाँ पे जर्मनी से इसकी सीमा लग रही है, बाकी इसके देखा जाए वेस्ट में नॉर्थ सी है और इसके ईस्ट में बाल्टिक सी है, ठीक है, तो ये आपको दिख रहा है। डेनमार्क की राजधानी की बात किया जाए दोस्तों तो कोपेनहेगन जो है इसकी राजधानी है, और इसकी मुद्रा की बात किया जाए तो क्रोन इसकी जो है मुद्रा है, और प्रधानमंत्री जो यहाँ पे यानी कि प्राइम मिनिस्टर है मेटे फ्रेडरिक्स जो है वो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। चलिए आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में दिल्ली का कौन सा स्थान है। तो देखिए ये प्रदूषण सूची जारी की गई है, दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची, इसमें देखिए दिल्ली का कौन सा स्थान है, यानी कि भारत की राजधानी दिल्ली का कौन सा स्थान है, पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। कोशिश क्या करिए, जब भी मैं क्वेश्चंस को रीड करती हूँ तो उसका आंसर आप लोग देने की कोशिश क्या करिए। और भारत का स्थान देखिए, जो भारत की राजधानी दिल्ली का स्थान चौथा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए आईक्यू एयर जो इंडेक्स है, आईक्यू के द्वारा, ध्यान रखिएगा, आईक्यू एयर के द्वारा एक इंडेक्स जारी किया जाता है, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट, ठीक है, इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है, और इसमें यह बताया गया है कि PM2.5 के स्तर के मामले में देखा जाए तो दिल्ली का कौन सा स्थान है दोस्तों, चौथा स्थान है, ठीक है, 2022 में, ठीक है। यहाँ पे 2022 में बात करें तो जो PM2.5 का स्तर था, पर्टिकुलर मैटर का जो स्तर था दिल्ली में, वो कितना था दोस्तों, तो 92.6 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर, ठीक है, और ये था किसका, ये PM2.5 का असर था, और इस हिसाब से देखा जाए दुनिया का चौथा सबसे प्रदूषित शहर कौन हो गया, दिल्ली हो गया। इसमें ये भी बताया गया कि सबसे प्रदूषित शहर की बात करें तो ध्यान रखिएगा ये पाकिस्तान का शहर लाहौर जो है ये दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। उसके बाद दूसरे नंबर पे देखा जाए तो होतान है जो कि चीन का शहर है, और राजस्थान का भिवाड़ी जो है ये दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर के नंबर पे आते हैं। टोटल देखा जाए तो इस पूरी सूची में 116 जो है राजधानियां शामिल की गई थी, और राजधानियों यहाँ की अगर हम बात करें कि 116 राजधानी शहरों की सूची में दिल्ली का देखिए ध्यान रखिएगा दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित राजधानी। देखिए शहरों के मामले में देखा जाए तो चौथा नंबर आता है, लेकिन अगर हम राजधानी के रूप में देखें तो दूसरे स्थान पे आता है। यहाँ पे चार्ट जो है, चार्ट का नंजादमेना जो है वो इसमें सबसे ऊपरी स्थान पे आता है, सबसे शीर्ष स्थान पे आता है, ठीक है। वही बात करें दुनिया के सबसे जो 50 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में, देखिए टोटल अगर देखें 50 जो सबसे प्रदूषित शहर है उसमें सबसे ज्यादा जो शहर है वो भारत के 39 शहर शामिल किए गए हैं। 100 जो है इस रिपोर्ट में जो है 131 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें से भारत जो है 8वें स्थान पे है। सूची में सबसे प्रदूषित शहरों में देखा जाए चाड है, इराक है, पाकिस्तान है, बहरीन है, बांग्लादेश है, बुर्किना फासो है, कुवैत है और भारत है, ठीक है, जो कि भारत से क्या है पीछे एक तरीके से, क्योंकि हमने देखा कि चाड भारत का स्थान जो है 8वां है, सबसे प्रदूषित है चाड है। तो हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं जो साउथ एशिया के देश हैं और कहीं अफ्रीका के देश हैं ये ज्यादा ही क्या है प्रदूषण के प्रकोप में हमें देखने को मिल रहे हैं, प्रदूषित जो शहर है यही सबसे ज्यादा हमें देखने को मिल रहा है। तो अगर शहरों के मामले में पूछे तो यहाँ पे जो है दिल्ली चौथे स्थान पे आ रहा है, राजधानी के रूप में देखा जाए तो दूसरे स्थान पे आ रहा है, शहरों में सबसे जो है प्रदूषित शहर लाहौर है पाकिस्तान का। तो इस तरीके से थोड़ा सा चीजों को क्लियर करके चलिएगा, क्लिस्टर क्लियर चीजें माइंड में होनी चाहिए। चलिए भाई इस रिपोर्ट के भी बारे में बात कर लेते हैं, ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है, आईक्यू एयर रिपोर्ट। तो ध्यान रखिएगा एक स्विस कंपनी जो है, आईक्यू एयर की बात करें तो ये एक स्विस वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी है, ठीक है, स्विट्जरलैंड की कंपनी है ये, और ये सरकारी निगरानी जो स्टेशन होते हैं ये अपने जो रिपोर्ट है वो कहाँ से तैयार की जाती है, तो जितने भी गवर्नमेंट होती है जो है कंट्रीज की, तो वो जो रिपोर्ट जारी करती है जो उनके निगरानी स्टेशन होते हैं उनके जो आंकड़ों को ये इकट्ठा करके ये क्या करती है हर साल जो है विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट को तैयार करती है, ठीक है, सरकारी आंकड़ों के आधार पे ये क्या करती है कि विश्व के जो प्रदूषण स्तर है उसके अकॉर्डिंगली अपनी रिपोर्ट को तैयार करती है, ठीक है। चलिए भाई अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक और किस देश के केंद्रीय बैंक ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो इनोवेशन के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि भारत का जो केंद्रीय बैंक है, और यहाँ पे ध्यान रखिएगा यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है,
क्या जो केंद्रीय बैंक है उन दोनों के बीच में समझौता हुआ है नवाचार को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, तो भारतीय रिजर्व बैंक और साथ ही साथ संयुक्त अरब अमीरात का जो केंद्रीय बैंक है, उन्होंने देखा जाए तो वित्तीय उत्पादों, ठीक है, और सेवाओं में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, जितना भी जो एक तरीके से जो वित्तीय उत्पाद है और उसमें जो सेवा है उनमें क्या करना, इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए अबू धाबी में, ठीक है, अबू धाबी जो कि यूएई की कैपिटल है, वहां पे क्या किया गया, एक समझौता हस्ताक्षर किया गया। समझौते में क्या बातें की गई, जो दोनों देश के बैंक है यानी कि दोनों देश के जो केंद्रीय बैंक है वो दोनों मिल करके किस क्षेत्र में कार्य करेंगे, तो डिजिटल मुद्रा यानी कि डिजिटल करेंसी को बढ़ावा देने के लिए काम करेंगे। ठीक है, यहां पे क्या है कि दोनों ही जो देश के बैंक है, यूएई के और भारत के, वो क्या करेंगे कि एक तरीके से जब ये समझौता होगा तो दोनों देशों के बीच में जो व्यापार हो रहा है उसका जो भुगतान किया जाएगा, ठीक है, वो डिजिटल मुद्रा, ठीक है, डिजिटल मुद्रा में किया जाएगा, यानी कि डिजिटल मुद्रा के जो व्यापार हो रहे हैं, ठीक है, जो भुगतान है उनके लिए क्या करना, मान्यता देना, डिजिटल मुद्रा को मान्यता देना। तो जो भी व्यापार हो रहा है, ट्रेड हो रहा है और जो कुछ भी पेमेंट हो रहा है उसमें क्या करना कि डिजिटल मुद्रा को मान्यता देना, ताकि इससे क्या किया जा सके, उसका पेमेंट वगैरह किया जा सके। इससे क्या होगा, इससे सुलभ होगा दोनों देशों के बीच में व्यापार को, तो एक तरीके से इससे व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, जो सीमा पार कारोबार है उसमें जो कुछ भी लागत आती है उसमें कमी आएगी और कार्य कुशलता भी बढ़ेगी। साथ ही साथ यहाँ पे देखा जाए तो भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में क्या होगा, एक आर्थिक संबंध मजबूत होगा। ठीक है, तो ये चीज हमें देखने को मिल रही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सेंट्रल बैंक जो कि भारत का और यूएई के बीच में ये समझौता हुआ डिजिटल करेंसी को बढ़ावा देने के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा एग्री यूनिफेस्ट का शुभारंभ किया है, कहां पे किया है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर है बी है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में किया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो केंद्रीय मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर, ठीक है, केंद्रीय कृषि मंत्री है ये, और यहाँ पे जो इन्होंने केंद्रीय बेंगलुरु विश्वविद्यालय के द्वारा जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहयोग से आयोजित 5 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम एग्री यूनिफेस्ट का शुभारंभ किया है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो बेंगलुरु कृषि विश्वविद्यालय है उसने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के साथ मिलकर के एग्री यूनिफेस्ट का आयोजन किया और इसका शुभारंभ जो किया गया है वो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा किया गया है। इसमें बात करें कौन कौन जो है प्रतिभागी जो शामिल हो रहे हैं, तो लगभग 60 राज्य कृषि विश्वविद्यालय, डिम्ड विश्वविद्यालय या फिर केंद्रीय विश्वविद्यालय के लगभग 2500 से अधिक प्रतिभाशाली विद्यार्थी शामिल हुए, जो कि 5 विषयों कौन कौन से, संगीत, नृत्य, साहित्य, रंगमंच, ललित कला के तहत 18 आयोजनों में अपने कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है, ICAR की बात किया जाए, इसके द्वारा देखा जाए लगभग यहाँ पे जो है 1999 से 2000 के दौरान अखिल भारतीय अंतर कृषि विश्वविद्यालय युवा महोत्सव की संकल्पना व शुरुआत की गई थी। देखिए ध्यान रखिएगा, भारत विविधताओं का देश है। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग जो है क्षेत्रों में अलग अलग तरीके की कृषि पद्धति है, तो बेसिकली ध्यान रखिएगा ये जो उस महोत्सव है, ठीक है, जिसका ICAR के द्वारा शुरुआत किया गया था 1999 से लेकर 2000 के दौरान अखिल भारतीय अंतर कृषि विश्वविद्यालय युवा महोत्सव, ठीक है, इसकी शुरुआत की गई थी, बेसिकली किस लिए किया गया था कि जो विभिन्न भारतीय संस्कृतियां हैं, ठीक है, उनको जोड़ करके जो भारतीय कृषि को क्या करना, एकीकृत करना, ठीक है, एक कर देना, जिससे कि जो ये जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो युवा होते हैं, उनमें क्या करना, उनकी प्रतिभा को निखारना, क्योंकि जब सभी अपने देश के विविधताओं वाला है, चूंकि विविधताओं वाला देश है, हर तरफ अलग अलग जो है कृषि की पद्धति है, तो जब हमारे जो युवा है जब हर कृषि पद्धति को जानेंगे, समझ पाएंगे कि कितनी जो है एक तरीके से विविधता, हर एक चीज को समझ करके क्या होगा उनसे, उनके उनकी प्रतिभा का निखार होगा और वे क्या करेंगे, भारतीय संस्कृति विविधता की सुंदरता को चित्रित कर सके। ठीक है, तो युवाओं के प्रतिभा को क्या करना, निखारना, किस तरीके से उनको जो विविधता, जिस तरीके की पूरी जो एग्रीकल्चर अलग अलग है उनके बारे में उनको जानकारी दे करके, ठीक है, और फिर एक तरीके से जो सांस्कृतिक विविधता की सुंदरता को बढ़ावा देना, यही इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो ये एग्री यूनिफेस्ट का जो शुभारंभ किया गया बेंगलुरु में किया गया है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की राज्य के गठन के लिए आंदोलन करने वालों के लिए किस राज्य सरकार द्वारा 10% 36 आरक्षण को मंजूरी दी गई है। तो आंदोलन जो आंदोलन देखिए, आपको पता है कि जो राज्य से एक अलग राज्य बनाने की मांग की गई थी, तो जिन लोगों ने मांग किया था उनके लिए जो है सरकारी नौकरी में 10% 36 आरक्षण को मंजूरी दी है, ये किया है उत्तराखंड सरकार ने। ठीक है, तो आपको पता है उत्तराखंड अलग किससे हुआ, उत्तर प्रदेश से हुआ। ठीक है, कब हुआ, 2000 में हुआ था। ठीक है, तो 2000 में हुआ था
डेट आप मुझे बताएंगे कि 2000 में कौन कौन से राज्य किससे किससे अलग हुए थे, किस डेट को हुए थे, आप मुझे बताएंगे। तो इसको प्रारंभ में उत्तरांचल कहा जाता था। तो उत्तर प्रदेश से एक राज्य अलग होता है, क्षेत्र अलग होकर के उत्तरांचल की स्थापना करता है और आगे जाकर के 2007 में ये उत्तराखंड हो जाता है। तो चूंकि जब मांग चल रही थी तो जिन लोगों ने भी इसका आंदोलन किया था अलग राज्य की मांग का, उनके लिए एक तरीके से आरक्षण की बात की गई है यहाँ पे। तो उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, इनकी अध्यक्षता में जो प्रदेश मंत्रिमंडल है उसकी बैठक हुई और इसी मंत्रिमंडल में जो राज्य के गठन के दौरान जिन लोगों आंदोलन किया था, आंदोलनकारियों को और उनके आश्रितों को सरकारी नौकरी में 10% 36 आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। ठीक है, देखा जाए बहुत समय से इसकी मांग चल रही थी, आंदोलनकारियों को पिछले 12 वर्षों से सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा था। ठीक है, वहीं देखा जाए कुछ और भी महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं मंत्रिमंडल की इस बैठक के दौरान। तो मंत्रिमंडल ने देखा जाए और क्या लिया, तो नवीन सौर नीति तथा विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि को, ठीक है, 3,75,00,000 से बढ़ा करके कितना, 5 करोड़ प्रतिवर्ष करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। ठीक है, तो ये इसका बेसिकली हमें उद्देश्य दिखता है कि कौन सी चीजें, बाकी ध्यान रखिएगा आपको पता होना चाहिए कि जो आरक्षण जो अभी दिया गया है आंदोलनकारियों को जिन्होंने राज्य के गठन के लिए आंदोलन किया था, उनको 10% जो आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है, ये उत्तराखंड सरकार के द्वारा दी गई। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर में भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा दोस्तों, ये किया जाएगा जबलपुर में। ठीक है, जबलपुर जो कि मध्य प्रदेश में है। आइए इसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण हुआ, उस सर्वेक्षण में देश के पहले जियोलॉजिकल पार्क की स्थापना को मंजूरी दी गई। ठीक है, किसने, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने जो है किसको, कि देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क जो है उसको बनाने की मंजूरी दी है। कहाँ पे दिया है दोस्तों, तो ये जो जियोलॉजिकल पार्क है ये मध्य प्रदेश का जबलपुर जिला है। जबलपुर जिले में एक क्षेत्र है जो कि नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, जिसका नाम है लमेटा। ठीक है, ध्यान रखिएगा लमेरा नहीं है, ये लमेटा गाँव है। इसी लमेटा गाँव में जो है भारतीय यहाँ पे देखा जाए भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण है, उन्होंने जियोलॉजिकल पार्क को बनाने की मंजूरी दिया है। ध्यान रखिएगा क्षेत्र, ध्यान रखिएगा कि ये जबलपुर जिला है और ये नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, नर्मदा रिवर जो है, और इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये लमेटा है। ठीक है, लमेटा, यहां पे ध्यान रखिए जो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण है, इस गांव में लगभग 5 एकड़ में भूगर्भीय चट्टानों के निर्माण की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए 1.30 करोड़ रुपए की मंजूरी दिया है। तो पूरा ये देखा जाए, ये जो जियोलॉजिकल पार्क है लगभग 5 एकड़ क्षेत्र में फैला रहेगा, भूगर्भीय चट्टानों के निर्माण की ये विस्तृत एक परियोजना है और इस पे जो खर्च आ रहा है वो पूरा ये व्यय है। परियोजना की अनुमानित लागत लगभग माना जा रहा है ये 35 करोड़ रुपए होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है कि जो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण है उसने कहाँ पे जो है इंडिया का पहला जियोलॉजिकल पार्क बनाने की बात की है, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में भी कहाँ, जबलपुर जिला, जबलपुर जिले में भी कहाँ, लमेटा गांव में। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए भाई अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस शहर में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन प्रारंभ किया गया है? तो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ प्रारंभ किया गया है दोस्तों, ये किया गया है श्रीनगर में। ठीक है, जो कि कैपिटल है किसके, जम्मू कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर की जो शहर है श्रीनगर, वहां पे ध्यान रखिएगा एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जो है ये प्रारंभ किया गया है। ठीक है, इस गार्डन की बात किया जाए तो ये देखिए डल झील जो कि जिसके किनारे पे कहा जाता है, डल झील में के किनारे ही श्रीनगर स्थित है और डल झील और यहाँ पे जबरवन जो पहाड़ियां हैं उन्हीं के बीच में स्थित है इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन। और इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन पर्यटकों के लिए जो है ये 19 मार्च से खोला जाएगा। ठीक है, कल ही मतलब एक तरीके से इसको खोल दिया गया है पर्यटकों के लिए। ठीक है, नाम क्या है, इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन। और इसको एक और भी नाम जाना जाता है जिसका नाम है सिराज बाग, इसको सिराज बाग के भी नाम से जाना जाता है। इसमें कई तरह के जो फूल हैं, कई सारे रंग बिरंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पे तस्वीर देख रहे हैं, इसमें देखा जाए विविध रंगों के लगभग 15,00,000 ट्यूलिप जो है पौधे हैं, पेड़ हैं, जो है फूल है। उसके अलावा देखिए और कौन कौन से यहाँ पे फूल है जो लोगों को वहां पे आकर्षित करेंगे,
तो यहाँ पे गुलाबी, तुरसावा है, डेफोडिल है, ठीक है, मस्कारा है, ठीक है, और यहाँ पे देखा जाए सिक्लेमेन, ये अन्य जो है ये वसंती फूल है जो वहां के लोगों को आकर्षित करेंगे। तो देखिए ये एक पर्यटन का क्षेत्र है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये कार्य ऐसे किए जा रहे हैं। तो देखिए इसको खोल दिया गया आम लोगों के लिए भी, आप लोग को भी जब मौका मिले, या कुछ लोग गए भी हो तो जब श्रीनगर फिर से जाने का मौका मिले तो जरूर जाएगा एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन में। ठीक है, आइए कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं जब ये हाल फिलहाल में राज्यों में थे संबंधित। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है कि महानदी कोलफील्ड ने चंद्रशेखर आजाद इको पार्क और कोयला संग्रहालय का निर्माण किया। कहाँ किया दोस्तों? उड़ीसा में किया। ठीक है, तो उड़ीसा में देखा जाए चंद्रशेखर आजाद इको पार्क और कोयला संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है महानदी कोलफील्ड के द्वारा। वही बात करें, गृह मंत्री अमित शाह ने छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित शिव सृष्टि थीम पार्क का उद्घाटन किया। कहाँ किया? पुणे में किया है। वही देखा जाए, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दुनिया के सबसे बड़े और अनोखे दिव्यांग पार्क की आधारशिला रखी है। कहाँ रखी है दोस्तों? नागपुर में रखी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कहाँ पे, ये दुनिया का सबसे बड़ा है और अनोखा दिव्यांग पार्क है, नागपुर में, महाराष्ट्र के नागपुर में रखा है। यही पे देखा जाए सिपकोट औद्योगिक पार्क का उद्घाटन किया गया। कहाँ किया गया दोस्तों? तो तमिलनाडु में किया गया। तो ये कुछ और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, और मैंने आपको बताया है कि ये जो वन लाइनर चीजें मैं बताती हूँ ये और भी ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि अगर इधर के रिसेंट के कुछ एग्जामों को आप देखें पेपर में, यहां से बहुत क्वेश्चंस मैंने देखे हैं, और कोशिश क्या करें जो भी इधर एग्जाम चल रहा हो उनके पेपर को देखने की कोशिश क्या करें, स्पेशली जो जीएस और करंट के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनको जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छे ये क्वेश्चन पूछे गए, तो हो सकता है इसके पॉसिबिलिटी अगले एग्जाम के भी हो जाती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा लीन योजना शुरू किया गया है? तो लीन योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? गृह मंत्रालय, एमएसएमई, वित्त या फिर विदेश? तो करिए वीडियो को पॉज, जल्दी से आंसर करें आप लोग, और सेशन को लाइक करते रहो, और भाई आप लोग शेयर करते रहो साथ ही साथ। तो ये जो लीन योजना शुरू की गई है ये किया गया मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम जो है इंटरप्राइजेस उसके द्वारा किया गया है। ठीक है, एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा किया गया है। तो यहां पे देखिए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय उसने एमएसएमई चैंपियन स्कीम के तहत जो है एमएसएमई प्रतिस्पर्धी यानी कि लीन स्कीम को लॉन्च किया है। ठीक है, लीन स्कीम को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ने। उद्देश्य क्या है इसका? तो जो गुणवत्ता, उत्पादकता, प्रदर्शन और निर्माताओं की मानसिकता को बदलना, और उन्हें ध्यान रखिएगा विश्व स्तर के निर्माताओं में बदलने की क्षमता में सुधार करना। ठीक है, उन्हें तो ये इसका बेसिकली उद्देश्य है। अगर हम बात करें इस स्कीम की, यानी कि ये जो स्कीम है ये क्या करेगी, लीन विनिर्माण प्रक्रियाओं के बारे में एमएसएमई के बीच बीच जागरूकता का सृजन करने के लिए तथा उन्हें एमएसएमई चैंपियंस बनने के लिए प्रोत्साहित करते हुए लीन स्तरों को स्तरों को अर्जित करने के लिए प्रेरित करने, प्रोत्साहित करने के लिए एक विस्तारित अभियान है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा लीन जो है योजना जो स्कीम है वो किससे संबंधित है, किस मंत्रालय से संबंधित है? तो एमएसएमई मंत्रालय से ये संबंधित है। ठीक है, किस कौन सा स्कीम? तो एमएसएमई चैंपियन स्कीम है, उसी के तहत एमएसएमई कंपिटेटिव, ठीक है, यानी कि लीन स्कीम को शुरू किया गया है। ठीक है, चलिए और आज के हम लास्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ रहे हैं, और आज का हमारा लास्ट जो एमसीक्यू है कि नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट को किसने लॉन्च किया है? देखिए चैटबॉट फिर से आ गया, तो ये जो है ये नया इंटेलिजेंस चैटबॉट है जो कि लॉन्च किया गया है ओपन एआई के द्वारा। ठीक है, ओपन एआई के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। तो ये अमेरिका की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च फर्म है, ठीक है, ओपन एआई, और इसी के द्वारा चैट जीपीटी की सफलता, चूंकि इसी के ओपन एआई के द्वारा चैट जीपीटी लॉन्च किया गया था, और उसी की सफलता के बाद एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट लॉन्च किया गया जिसका नाम है GPT-4, उसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, ओपन एआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसे देखा जाए चैट जीपीटी के सक्सेसर के रूप में देखा जा रहा है एक तरीके से, जब वो सक्सेस हो तो उसके बाद का एक नया वर्जन आया जो कि उससे भी ज्यादा एक नया अपग्रेड वर्जन है, और भी इसमें कई सारी विशेषताएं पाई जा रही है इस चैटबॉट के माध्यम से। ठीक है, चैट जीपीटी में तो एक उसी तरीके का चैट जीपीटी का एक सक्सेसर ये माना जा रहा है, कौन? GPT-4। यहाँ पे चैटबॉट फॉर्म ओपन एआई की बात करें तो उसके अनुसार देखा जाए, देखिए उसने क्या कहा है कि GPT-4 जो है वो अधिक रचनात्मक और विश्वसनीय है। इसमें मैंने बताया ना कि और भी नए सक्सेसर है तो ऑब्वियस है कि पहले से उसका अपग्रेड वर्जन होगा। इसी के साथ देखा जाए तो पिछला जो मॉडल था GPT-3 उसकी तुलना में ये अधिक एडवांस भी है, ऑब्वियस है।
चैट जीपीटी 4 की बात किया जाए, ठीक है, चैटबॉट जीपीटी 4 अभी देखा जाए तो चैट जीपीटी प्लस ग्राहकों के लिए उपलब्ध है, बाकी जो है जो इसके एक तरीके से ऐसा नहीं फ्री का नहीं, इसके लिए भाई देखिए प्रीमियम लेना पड़ेगा हर साल हर महीने, ठीक है, प्रीमियम एक्सेस के लिए इसको प्रतिमा $20 का क्या करना पड़ेगा, भुगतान करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा 10 MCQ, उम्मीद है आपको चीजें अच्छी लगी होंगी। अब हम आते हैं फैक्ट्स ऑफ द डे पे, यानी कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका, ठीक है। चलिए आज का हमारा सबसे पहला फैक्ट है कि हाल ही में जियो सिनेमा ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, किसे बनाया है, सूर्य कुमार यादव को। तो सूर्य कुमार यादव जो है वो किसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं, जियो सिनेमा के। ध्यान रखिएगा अभी कुछ दिन पहले भी हम लोगों ने बहुत सारे ब्रांड एम्बेसडर देखे हैं, तो कोशिश करिए उन सभी का एक एक करके रिविजन कर लीजिए। वही देखा जाए भारत में अमेरिकी एम्बेसडर नियुक्त किया गया, किसे किया गया है, एरिक, ठीक है, गारसिटी को किया गया है। एरिक गारसिटी जो है वो अमेरिकी एम्बेसडर बनाए गए भारत में। अगला है, हाल ही में आए सरकारी सर्वेक्षण के मुताबिक ग्रामीण परिवारों के पास शौचालय की सुविधा नहीं है, तो कितने ग्रामीण परिवारों के पास, लगभग भारत के जो ग्रामीण परिवार है उसमें 31% जो ग्रामीण परिवार है उनमें जो है क्या है, शौचालय की सुविधा नहीं है। वहीं देखा जाए हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता जिनका नाम है केजाबोरो ओआई, उनका 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वो क्या थे, वो लेखक थे जो कि जापान के थे, ठीक है। अगले हैं, भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, ठीक है, सतलुज जल विद्युत निगम का स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है, किसे किया गया है, पे शशिकांत जगन्नाथ वानी को किया गया है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा करंट अफेयर, उम्मीद है आपको चीजें अच्छी लगी होंगी। बाकी मैं ये भी उम्मीद कर रही हूँ कि अब आपने अपना रिवीजन शुरू कर दिया होगा, देखिए कम समय बहुत कम है, जल्दी से एकदम लग जाइए, लग क्या जाइए, मैं उम्मीद कर रही हूँ आप लोग बहुत सिंसियर है और अपने काम में लग चुके होंगे, ठीक है। बाकी डेली करंट अफेयर की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो जाइए डाउनलोड करिए और शॉर्ट नोट्स बनाइए अपनी। बाकी फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।